स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 11, कार्य एवं ऊर्जा के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर चुके थे गतिज ऊर्जा के ऊपर, ठीक है? उसको हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और हमने कंटिन्यू करा था स्थितिज ऊर्जा को समझना। तो आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के ऊपर बात करेंगे, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है उसके और समझेंगे। उसके डेफिनेशन हम पिछली क्लास में लिख चुके थे, उसको आज दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इस पर आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी आज करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा स्थितिज ऊर्जा, मैंने आपको बताया था इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखिए, मैंने आपके साथ ये बात भी डिस्कस करी थी कि स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, क्यों उत्पन्न होती है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण इसमें निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में कर दी थी। इसे कैपिटल यू द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है? इसके अलावा मात्रक, मात्रक के ऊपर बात करें तो ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया था, चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा का कोई भी रूप हो उसका मात्रक होता है जूल। कैसे निरूपित करते हैं, कैपिटल जैसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जमीन से एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें हम उस पर कुछ कार्य करते हैं, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, सूत्र यहाँ पर व्युत्पन्न करेंगे। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमने बात करी थी कि जब हम किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा निहित हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसी ईंट का, कोई ईंट मेज पर पड़ी है तो वो मेज के ऊपर विरामावस्था में। अब क्या कीजिए, उस ईंट को किसी ऊंचाई तक ले जाइए 1-2 मीटर, और फिर वहां से अगर आप छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, मेज के ऊपर जब गिरेगी तो मेज टूट भी सकती है। पहली अवस्था में वो मेज को तोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन दूसरी अवस्था में वो मेज को तोड़ पाने वाली ऊर्जा उसमें है। ये ऊर्जा उसमें कहाँ से आई, जब हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन करा, जब हम उसे कुछ ऊंचाई तक ले गए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यदि किसी वस्तु को सपोज हम धरती से कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है किसी ऊंचाई पर वस्तु की तीज ऊर्जा। सपोज ये धरती है, ठीक है, ये हमारी जमीन, इसके ऊपर कोई ईंट है इस प्रकार से, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको h ऊंचाई तक उठाते हैं। कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक हमने इसे उठाया और अब ये ईंट क्या हो गई, यहां पर पहुंच गई। ठीक है, कुछ चीजें लिख लेते हैं इसके बारे में।
तो हम मानते हैं कि माना जो एक वस्तु है इसका द्रव्यमान जो है वो स्मॉल एम है। हमने इसको जिस ऊंचाई तक उठाया है धरती से या पृथ्वी तल से, जिस ऊंचाई तक हमने इसे उठाया है पृथ्वी तल से, वो सपोज स्मॉल एच है, ठीक है। इसके अलावा अब हमको निकालना है इसको एच ऊंचाई तक उठाने पर, एच ऊंचाई तक उठाने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य। W बराबर, देखो स्टूडेंट्स, हमने किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई तक उठाया, मतलब हमें उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होगा? तो कार्य का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। कितना बल हमको लगाना पड़ेगा? तो जब 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 मैंने आपको बताया, जब जब आप पृथ्वी तल से किसी वस्तु को उठा रहे होंगे तो उसके भार के बराबर हमको बल लगाना पड़ेगा। कितना बल? उसके भार के बराबर। तो भार जो होगा इसका, किसी वस्तु का जो भार होता है W, वो मैंने आपको बताया mg होता है। g का मतलब क्या है? g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो F होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो बल है हमको कितना बल लगाना पड़ रहा है, वो लगाना पड़ रहा है mg। और विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितनी ऊंचाई, कितना विस्थापन, मतलब पहले इसकी दूरी, पहले ये यहाँ पर था इसकी स्थिति, अब यहाँ पर आ गई, तो जो स्थिति में परिवर्तन है वो h है। h ऊंचाई तक तो हम इसे ले गए, मतलब विस्थापन कितना हुआ h का। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे एक सूत्र मिल रहा है, W इज इक्वल टू एम जी एच, मतलब इतना कार्य हमको करना पड़ेगा इस वस्तु को उठाने में, इस पोजिशन से इस पोजिशन तक ले जाने के लिए हमको इस वस्तु पर इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और यही कार्य इसमें क्या होगा, यही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः इसके बाद आप लिख सकते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र है स्टूडेंट्स। स्थितिज ऊर्जा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे उसके द्रव्यमान, उसके गुरुत्वीय त्वरण और उसकी कितनी ऊंचाई तक हमने उस वस्तु को उठाया, उसमें उनके गुणनफल के बराबर। जहां लिख लीजिए प्रतीकों का, जहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, बाकी एम और एच तो आप लिख चुके हैं, ठीक है। एम का मतलब द्रव्यमान और एच का मतलब कितनी ऊंचाई तक वस्तु को उठाया। बात समझ में आ गई? अब इस पर आधारित हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। सूत्र हमने आपको बता दिया है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी पहले एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम टेन किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है,
डायमीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि है जी का मान। जी का मान दिया हुआ है, आपको ये याद भी होगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है, हमें दो चीजें साफ साफ दिख रही हैं इस क्वेश्चन में। दो चीजें हैं, एक तो वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ठीक है, और कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, हाइट जो है वो 6 मीटर है। हमें निकालना है इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई वस्तु है, दोबारा से वही डायग्राम आ गया। ये कोई वस्तु है, इसको मैं क्या करता हूँ, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाता हूँ। अब ये वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर। तो हमने जितना कार्य किया होगा इसमें, वही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और ये कौन सी ऊर्जा होगी, ये कौन सी ऊर्जा होगी स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि अभी अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आप निकालो, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा। तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा ही है, मतलब हमें स्थितिज ऊर्जा ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बोलेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिला मुझे स्थितिज ऊर्जा, तो मैं सूत्र नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अतः इस वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी, अतः वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। U इज इक्वल टू एम जी एच, एम का मान रख दीजिए 10, जे का मान है 9.8, एच का मान है 6। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98 इंटू 6, और जब आप 98 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 588, और मात्रक का आ जाएगा जूल। तो हमारा आंसर आया है 588 जूल। हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट, 588 जूल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसे आपने कर लिया होगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल में लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, यहाँ पर आप अटक जाओगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो आसान सा न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल करते हैं स्थितिज ऊर्जा पर बेस्ड। सूत्र आप याद रखेंगे और जो बातें आपको बताई गई हैं इससे पहले वो भी याद रखेंगे। क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। अब क्वेश्चन देखिए आप, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, यहां पर तो आपको स्थितिज ऊर्जा पहले ही दे दी है ना। आप क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए, और स्थितिज ऊर्जा आपको पहले ही दे दी है क्वेश्चन, मतलब कि आप कुछ और पूछने जा रहे हैं। क्या पूछने वाले हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार इन्होंने क्या पूछ लिया, ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
समझ में आई बात। तो एक और चीज इन्होंने दी है कि जी का मान आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा अभी तक, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाने के लिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि स्थितिज ऊर्जा निकाल दीजिए, नहीं, स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन में दी हुई है। अब की बार आपको निकालनी है ऊंचाई की, वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई। तो पहला चीज हम क्या करते हैं, पहला चीज जो क्वेश्चन में डेटा हमको दिया रहता है उसे हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, द्रव्यमान हमें दिख रहा है 12 किलोग्राम है वस्तु का, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, मतलब यू हमको दिया हुआ है 480 जूल, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दी हुई है यू बराबर 480 जूल। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब स्मॉल एच हमें ज्ञात करना है, और जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सूत्र तो वही लगेगा क्योंकि हम जानते हैं यू इज इक्वल टू होता है एम जी एच। मान रख दीजिए जिस जिसके मान आपको मिले हैं वो मान रख दीजिए, यू का मान मिला है 480 रख दिया, बराबर एम का मान मिला है 12 रख दिया, जी का मान मिला है 10 रख दिया, एच का मान मिला ही नहीं है तो एच को एच ही रहने दिया, ठीक है। जहाँ हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 × H, 12 दशमलव 120, और ये 120 और एच क्या है, गुणा में। तो जब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा, एच को अगर अकेला छोड़ूंगा एच का मान निकालने के लिए, तो 120 इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, भाग में, गुणा वाली चीज बराबर के दूसरी तरफ जा करके भाग बन जाती है। तो 12 × 4 = 48, मतलब जो ऊंचाई है वस्तु की वो 4 मीटर है, इतनी है 4 मीटर। तो जिस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सॉरी जिस वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है और उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो कहने का मतलब है कि वस्तु को हमने धरती से कितनी ऊंचाई तक उठा रखा है, 4 मीटर की ऊंचाई तक उठा रखा है। बात समझ में आई। तो दो क्वेश्चन हमने देखे, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आप न्यूमेरिकल में फंस जाते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप फंस जाते हो, लेकिन फंसने वाली बात कुछ होती नहीं। पहले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली बोला हुआ नहीं था कि स्थितिज ऊर्जा निकालिए, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, फिर हमें पता लगा स्थितिज ऊर्जा निकालनी। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें स्थितिज ऊर्जा पहले से ही दिया हुआ है, इसमें अभी हमें ऊंचाई निकालनी। तो क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपके बुक के जो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी करने की आप कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं आपको इसमें स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक दो छोटी छोटी बातें और बताता हूँ कि जिनमें आप फर्दर फ्यूचर में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। सपोज मैं किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु जमीन पर रखी हुई है, ठीक है, और दोबारा से वही वस्तु जमीन पर रखी हुई है, ठीक है। एक स्थिति में मैंने इसको क्या किया, सीधा ऊपर उठाया और यहां पहुंचा दिया, इस पर कुछ कार्य किया और सीधा ऊपर उठाकर यहां पहुंच गया, ठीक है। दूसरी स्थिति में मैंने क्या किया, नहीं, मैं इसको यहां तक ले गया, फिर उसके बाद मैं इसको इस तरफ ले गया, फिर मैंने यहां से ऊपर उठाया, फिर मैं इसको इधर लाया, फिर मैंने यहां से इसको ऊपर उठाया और मैंने वापस उसको उसी पोजिशन पर पहुंचा दिया। बात समझ गए आप क्या हुआ, बात समझ गए आप क्या हुआ। पहली स्थिति में तो मैंने उसको सीधा का सीधा एक ऊंचाई तक उठा दिया, एच ऊंचाई तक। दूसरी स्थिति में भी मैंने उसे एच ऊंचाई तक ही उठाया, लेकिन रास्ता इस टाइम मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रास्ता इस टाइम हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अब आपको इतनी बात तो पता लग ही चुकी है कि यदि धरती से मैं किसी वस्तु को किसी एच ऊंचाई पर ले जाऊं तो उसके कारण उसमें कुछ ऊर्जा आ जाती है, वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि धरती से कुछ ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर। लेकिन दोनों दोनों का रास्ता है जो एच ऊंचाई तक के लिए वो अलग है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा इस बात के लिए कि दोनों केसेस में जो स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है और यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या वो दोनों, उन दोनों में से कौन सी वाली स्थितिज ऊर्जा बड़ी होगी या कौन सी वाली छोटी होगी, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जरा इसको सोचिए कि दोनों ही केसेस में, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, दोनों ही केसेस में हम वस्तु को समान ऊंचाई तक ऊपर ले गए, लेकिन रास्ते दोनों के अलग, ऊंचाई समान है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऊंचाई समान है।
तो आप मुझे बताइए कि स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में जो होगी वो ज्यादा या कम होगी। वस्तु का द्रव्यमान सेम है, ऐसा भी नहीं है कि वस्तु का द्रव्यमान चेंज हुआ है, ठीक है, वस्तु वही है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब ऊंचाई सेम होगी, ऊंचाई सेम होगी, आप यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाइए ना, यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो जी का मान तो आपको पता है, जी का मान 9.8 होता है, ठीक है। एच और एम ये दोनों बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यू इज इक्वल टू एम जी एच होगा, जी का मान तो 9.8 होता है, फिक्स होता है, एम और एच बदल सकते हैं। यहाँ पर भी कह रहे जितना द्रव्यमान वस्तु का यहाँ पर था उतना ही द्रव्यमान यहाँ पर भी है, जितनी ऊंचाई तक वस्तु को यहाँ ले गए थे उतनी ऊंचाई तक ले गए। रास्ते का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है सूत्र में, रास्ते का जिक्र हो रहा है सूत्र में, एम जी एच में कहीं ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि किस रास्ते में, रास्ते की लंबाई नापी है, नहीं, ऊंचाई नापी जा रही है। तो ऊंचाई पर निर्भर है, ऊंचाई दोनों की समान है, द्रव्यमान दोनों का समान है, तो स्थितिज ऊर्जा दोनों की क्या होगी, समान होगी, स्थितिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस स्थिति में कि किस वस्तु कौन से वाले केस में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी, तो आप कहेंगे कि दोनों ही केसेस में जो स्थितिज ऊर्जा है वो समान बनी रहेगी, यानी बराबर बनी रहेगी, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो स्थितिज ऊर्जा है, ये तो नोट वन में आप लिखेंगे, ठीक है, जो बात बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहिए नोट में, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, आगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करती है। एक नोट आप ये लिखेंगे कि जो वस्तु की किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, सॉरी सॉरी, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इस पर निर्भर होती है, भूमि तल पर निर्भर होती है। कैसे, जिस भूमि तल से हम वस्तु को ऊंचाई तक उठा रहे हैं उस पर निर्भर होती है। सपोज मैं आपसे बात करूं कि दो वस्तुएं हैं, दोनों मुझे एक ही जगह ऊंचाई पर दिख रही है, ठीक है, दोनों मुझे कहां दिख रही है, एक ही जगह ऊंचाई पर दिख रही है, लेकिन इसके केस में जो मैंने तल लिया है वो यहां पर है और इसके केस में जो मैंने तल लिया है वो यहां पर है, समझ रहे हो, ऊंचाई दोनों की क्या मुझे दिख रही है, यहां से दोनों बराबर ऊंचाई पर दिख रहे हैं, लेकिन जो तल है इसका तल यहाँ पर है, जो भूमि तल मैंने इसके लिए लिया है और जो भूमि तल इसके लिए लिया है वो यहाँ पर है, तो स्थितिज ऊर्जा दोनों की सेम अब नहीं रहेगी, अब दोनों की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी अधिक और इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी कम, क्योंकि जो चुना हुआ तल है हमारा, चुना हुआ भूमि तल, यदि वो और वस्तु के बीच की दूरी कम होगी, मतलब ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम, ऊंचाई अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक, द्रव्यमान दोनों का सेम है अगर तो, ठीक है। तो दूसरी बात ये रही कि आपको स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, आपको ये भी देखना है कि जो भूमि तल है हमने कौन से भूमि तल का चुनाव किया है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, समय यहाँ पर समाप्त होता है, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्लास को रिवाइज कर सकते हैं डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।